सो इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं अपने साइड में. आफ्टर दिस सेशन मैं हर एक जी शेयर करता जाऊंगा आपको, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, लिंक आपको ग्रेट शेयर मिलती जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन पालो अल्टो फायरवॉल. तो आज हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक. ओके, टॉपिक डिस्कशन आप कह सकते हो उसको. राइट, कि कंप्लीट ट्रेनिंग में हम क्या बातें. ओके, सो ये सारे मॉड्यूल्स हैं फॉर पालो अल्टो फायरवॉल ट्रेनिंग. जो टारगेट ऑडियंस है पालो अल्टो फायरवॉल स्टार्ट करने के लिए है, वो है सिक्योरिटी इंजीनियर्स, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी ऑपरेशन स्पेशलिस्ट या कोई नेटवर्क इंजीनियर है. वो टारगेट ऑडियंस है इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए. ओके, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट दिस ट्रेनिंग? सो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए राउटिंग स्विचिंग का. राउटिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है, स्विचिंग देन आईपी एड्रेस कॉन्सेप्ट क्या होती है. अगर आपको बेसिक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज के बारे में पता है तो ये आपको हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ टर्म्स पता है जैसे आईपीएस क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होती है, कंटेंट फिल्टरिंग क्या होती है. तो अगर ये पता है तो इट्स गुड, अगर नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, आपको अपनी ट्रेनिंग में डिस्कशन करना है मेरे साथ. तो ये सारा मॉड्यूल है जो हम कंप्लीट ट्रेनिंग में बात करने वाले हैं. 16 मॉड्यूल है कंप्लीट ट्रेनिंग का. टोटल ट्रेनिंग जो लेगी वो 24 आवर टू 26 आवर ले सकती है फिनिश होने के लिए. टोटल ट्रेनिंग मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ अपने साइड से मैं आपको देने वाला हूँ स्लाइड्स. पहले तो स्लाइड्स और नोट्स, यानी आपको हर एक टॉपिक की स्लाइड्स और नोट्स प्रॉपर मिल जाएगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी. रिकॉर्डिंग्स आपको सेशंस की मिलती जाएगी. ड्राइव लिंक आपको शेयर होगा, वहां से आप देख सकते हैं. एंड लैब सेटअप सॉफ्टवेयर, लैब सेटअप सॉफ्टवेयर मैं आपको शेयर कर दूंगा. आप उस लैब को आप अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके आपके लैपटॉप पे 8 GB RAM होनी चाहिए पालो अल्टो का लैब सेटअप बनाने के लिए. 8 to 12 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट है. तो आज क्लास के बाद मैं आपको आप सबको सॉफ्टवेयर शेयर कर दूंगा, स्लाइड्स और नोट शेयर कर दूंगा. क्लियर है मेरी बात? जी सर, नाउ सो कंप्लीट मॉड्यूल जो है वो 16 मॉड्यूल्स है. आज हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे कि कंप्लीट ट्रेनिंग में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विथ फर्स्ट मॉड्यूल. फर्स्ट मॉड्यूल है आपका, वो है नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर. सो द फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर आप ये डिस्कशन करते हो कि प्रोडक्ट फैमिली क्या होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी आर फैमिलियर विद द सिस्को राउटर एंड स्विचेस, राइट? हमें सीरीज पता है. वैसे ही पालो अल्टो के अंदर क्या होता है, आपके पास प्रोडक्ट फैमिली होती है कि लो एंड का फायरवॉल बॉक्स है, मीडियम सीरीज का फायरवॉल बॉक्स है या हाई एंड अप्लायंस है. सो कौन सा अप्लायंस, कौन सी सीरीज का फायरवॉल बॉक्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सुटेबल है, ये हम डिस्कशन करेंगे. प्रोडक्ट फैमिली आप कह सकते हो. देन आपको सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन करना है. सो पालो अल्टो यहाँ पे एक आर्किटेक्चर फॉलो करता है ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए, उसे कहते हैं SP3 आर्किटेक्चर, जिसे कहते हैं सिंगल पाथ पैरेलल प्रोसेसिंग. अब SP3 आर्किटेक्चर क्या होती है? देखो, SP3 आर्किटेक्चर हर एक वेंडर यूज करता है, लेकिन लेकिन ये मार्केट में किसने लेके आया? पालो अल्टो फायरवॉल बॉक्स ने. तो SP3 आर्किटेक्चर क्या होता है हमें ये डिस्कशन करना है. कंट्रोल प्लेन का कॉन्सेप्ट होता है एंड डेटा प्लेन कॉन्सेप्ट होता है. तो हम ये बात करेंगे इन मॉड्यूल 1. ओके, मॉड्यूल नंबर 2 हमारा क्या होगा? मॉड्यूल नंबर 2 हमारा जो है वो डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है. जैसे आप फायरवॉल को क्लाउड पे कैसे डिप्लॉय करते हो, या वर्चुअल सिनेरियो लाइक VMware या EXXI पे कैसे डिप्लॉय करते हो, तो ये डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड टास्क है मॉड्यूल नंबर 2. मॉड्यूल नंबर 3 हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है. इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब Day 1 ऑन पालो अल्टो फायरवॉल. इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि मुझे मुझे CLI के थ्रू कैसे एक्सेस करना है, सारे CLI बेसिक कमांड जो है वो हम कैसे यूज करते हैं. तो जितने सारे बेसिक कमांड्स है वो आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो. बैकअप लेना, रिस्टोर करना, IOS अपग्रेड करना, सिग्नेचर कैसे डाउनलोड करते हैं, मल्टीपल फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर्स कैसे बनाते हैं, यू कैन से जितनी भी बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो CLI के थ्रू हो या ग्राफिकल पेज. पालो अल्टो फायरवॉल बॉक्स को हम जो मैनेज करते हैं वो ग्राफिकल पेज के थ्रू करते हैं.
जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो वो ग्राफिकल पेज पे करते हैं, ठीक है। सो ग्राफिकल से इसे कैसे एक्सेस करेंगे और सीएलआई के थ्रू कैसे मैनेज करेंगे, ये पार्ट है आपका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का। क्लियर है चरणजीत, राकेश, रिचवी? जी जी हाँ जी सर जी सर। ओके, नाउ आफ्टर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टाइम लेगा ये टॉपिक, आफ्टर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यू कैन गो ऑन टू द इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में हम बात करते हैं पालो ऑल्टो इंटरफेस टाइप। तो यहाँ पे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में हम दोनों दो तरह के इंटरफेसेस पे काम करेंगे। जैसे आपने फिजिकल इंटरफेस पे वर्क किया होगा, जैसे आपने ईथरनेट पोर्ट कन्फिगर किया होगा या गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट आपने कन्फिगर किया होगा, तो ये इंटरफेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पालो ऑल्टो में क्या बात करते हैं, पालो ऑल्टो में इंटरफेस टाइप होता है। जब आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो वहां होता है इंटरफेस टाइप। जैसे आपके पास आता है L3 इंटरफेस टाइप, L2 इंटरफेस, टैप इंटरफेस, टैप इंटरफेस, वर्चुअल वायर इंटरफेस उसे कहते हैं, वर्चुअल वायर इंटरफेस, HA यानी हाई अवेलेबिलिटी इंटरफेस। तो यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेस टाइप है, हर एक इंटरफेस टाइप डिफरेंट सिनारियो में हम उसे यूज करते हैं। सो ये इंटरफेस टाइप क्या है, कैसे इस पे काम करते हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे। आप लॉजिकल इंटरफेसेस भी पालो ऑल्टो फाइबर बॉक्स पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लॉजिकल इंटरफेस का मतलब है, जैसे आपने लूप बैक सुना होगा इन सीसे ने, या टनल इंटरफेस आपने सुना होगा वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे। तो टनल इंटरफेस है या सब इंटरफेस है या लूप बैक इंटरफेस है, यस आप कन्फिगर कर सकते हो। सो मॉड्यूल नंबर 4 में हम इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन चलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पालो ऑल्टो में होता है वर्चुअल राउटर का कॉन्सेप्ट, वर्चुअल राउटर। अब वर्चुअल राउटर क्या होती है हम बात करेंगे। पालो ऑल्टो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायरवॉल बॉक्स है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। पालो ऑल्टो नहीं, कोई भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आप ले लो, जैसे पालो ऑल्टो हो गया, 14.8 हो गया, सिस्को है, सिस्को सिस्को FTD की बात कर रहा हूँ मैं, सिस्को ASA है, आपके पास चेक पॉइंट फायरवॉल बॉक्स है। तो ये सारे फायरवॉल डिवाइसेस क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायरवॉल बॉक्स है, यानी यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये पार्ट आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का ही है। ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करना, वर्चुअल राउटर कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब हम इंटरफेस मॉड्यूल नंबर 4 में ही डिस्कशन करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, मॉड्यूल नंबर 4 के बाद मॉड्यूल नंबर 5 है, इसके बाद सीधे सिक्योरिटी पॉलिसी और नेट पॉलिसी। राउटिंग आपको कहीं भी दिख नहीं रहा है क्योंकि आप फायरवॉल पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, आपका फोकस राउटिंग पे नहीं है। रिजविक, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका जी सर फोकस राउटिंग पे, यस आपको इसमें राउटिंग नहीं होगी हमारी कहीं पे भी। मैं आपको बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप किस पे वर्क कर रहे हो, आप फायरवॉल पे काम कर रहे हो, तो आपको फायरवॉल की फीचर स्टडी करनी है। देखो आप पालो ऑल्टो का सिलेबस जब हम देख रहे हैं तो इसमें कहीं भी उन्होंने राउटिंग मेंशन नहीं किया, राइट राइट। तो लेकिन 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 पॉइंट ये है कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और वहां पे राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी ने मुझसे कहा कि इस फायरवॉल पे स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग कन्फिगर कर दो, देन तो ये टास्क हम डिस्कशन करेंगे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। बट आप ध्यान से देखो, कहीं भी राउटिंग डेडिकेटेड कोई चैप्टर नहीं है। क्लियर मेरी बात राकेश? यस। कोई डेडिकेटेड राउटिंग का चैप्टर नहीं, क्योंकि ये डिवाइस राउटर नहीं है, ये फायरवॉल है। राउटिंग के लिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में राउटर डिवाइस होती है, बट हाँ फायरवॉल जो पालो ऑल्टो फायरवॉल है वो बाकी वेंडर्स की तरह आपको ऑप्शन देता है। प्लीज माइक टर्न ऑफ कर लीजिए, कोई क्वेरीज होगी तो अनम्यूट कर लीजिएगा। दीपक, हेलो दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आ रही है सर। हाय डियर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, माइक म्यूट कर लीजिए, कोई क्वेरीज होगी तो अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? श्योर। ओके नाउ, सो राउटिंग का पोर्शन यहाँ पे नहीं, लेकिन हाँ आप डिस्कशन कर सकते हैं इस ट्रेनिंग में। मैं आपसे बात करूंगा स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बट हाँ डायनेमिक राउटिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी आप रिप या रिप OSPF BGP आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बट मैंने अगेन बोला कि ये फायरवॉल है तो कंपनी कभी भी राउटिंग का फीचर इस पे यूज करना नहीं चाहेगी, कंपनी फायरवॉल के फीचर्स यूज करना चाहेगी, क्योंकि राउटिंग अगर करना होता तो वो राउटर यूज करती। ओके, तो ये आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क है। उसके बाद आप आते हो किस पे, मॉड्यूल नंबर 5 पे। मॉड्यूल नंबर 5 दो टॉपिक से रिलेटेड है। मॉड्यूल नंबर 5 में आप दो टॉपिक डिस्कशन करते हो, जैसे कहते हो आप नेट पॉलिसी और दूसरा टॉपिक है क्या, सिक्योरिटी पॉलिसी। सो सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है,
अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है स्मूथ ऑफ आवर बॉक्स, तो आपको सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करनी होती है। फॉलो वर्ल्ड टू फावल बॉक्स पे आप इसे बोलते हो सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉर्टिनेट पे आप इसे बोलते हो फावल पॉलिसी, चेक पॉइंट पे बोलते हो आप एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, आप सिस्को एफटीडी पे बोलते हो एक्सेस पॉलिसी, आप सिस्को एएसए फावल बॉक्स पे बोलते हो एसीएल कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। हर एक फावल पे कॉन्फिगेशन करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, कुछ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएंगे पॉलिसीज क्रिएट करने के लिए, बट सिक्योरिटी पॉलिसी पॉलो अल्टो में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उसे कहते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी। सो ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए, ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए आप क्रिएट करते हो सिक्योरिटी पॉलिसीज। सो सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाते कैसे हैं? अगर मुझे मल्टीपल सिक्योरिटी पॉलिसीज बनानी है, फॉर एग्जांपल 200 रूल बनाने हैं, 500 रूल बनाने हैं, तो कैसे मैं पॉलिसीज क्रिएट करूंगा, उनके साथ वर्क कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, अरेंज कैसे करते हैं, तो ये हम बात करेंगे सिक्योरिटी पॉलिसी में। बट आप ये क्लियर करो सिक्योरिटी पॉलिसी का काम है ट्रैफिक को अलाउ करना थ्रू द फावल बॉक्स, ओके, थ्रू द फावल बॉक्स। बट अगर ट्रैफिक प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क में जा रही होगी तो आपको एक कॉन्सेप्ट और यूज करना होता है जिसे कहते हैं नेट पॉलिसी। नेट सबने देखा होगा सीएनए के क्लासेस में, नेट हम ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, और प्राइवेट टू प्राइवेट, और पब्लिक टू पब्लिक। तो यहाँ पे आपको नेट ही डिस्कशन करना है। सीएनए जब आप स्टडी करते हो तो आप नेट डिस्कशन करते हो क्या? स्टैटिक नेट आपने सुना होता है, डायनेमिक नेट आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, और पैट कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ये आपको सीएनए क्लासेस से पता है। बट इन पॉलो अल्टो जब आप नेट कॉन्फ़िगरेशन करते हो, पॉलो अल्टो में आप बात करते हो दो तरह के नेट। पॉलो अल्टो फायरवॉल बॉक्स में हम डिस्कशन करेंगे क्या? सोर्स नेट कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं क्या? डेस्टिनेशन नेट। तो यहाँ दो तरह के नेट होते हैं, सोर्स नेट एंड डेस्टिनेशन नेट। अब इनको यूज करने का सिनारियो कहाँ पे है? सोर्स नेट किस सिनारियो में मैं यूज करूंगा, या डेस्टिनेशन नेट में किस सिनारियो में यूज करूंगा, ये हम बात करेंगे। यहाँ पे सोर्स नेट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे क्या? स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट एंड पैट। एंड डी नेट एक पूरा का पूरा सेपरेट कॉन्सेप्ट है। यानी अगर आप मॉड्यूल नंबर 5 को ध्यान से देखो तो सिर्फ ये जो चैप्टर है ये कम से कम आपका 5 to 6 आवर ले सकता है फिनिश होने में। क्लियर है चरणजीत, दीपक, राकेश, रिजवी? जी सर, यस बिल्कुल। नाउ अब यहाँ पे मान लो मेरे पास एक फावल डिवाइस है, यहाँ पे एक पॉलो अल्टो फावल बॉक्स है, पॉलो अल्टो बॉक्स, और आपने सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट कर लिया, आपने सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट किया, और सिक्योरिटी पॉलिसी के बिहाफ पे ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावल बॉक्स, ये आपका ISP। आपने यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट कर लिया, एक रूल बनाया, और उस सिक्योरिटी पॉलिसी के बिहाफ पे ट्रैफिक लैन से वैन की तरफ ट्रैवल कर रही है, ट्रैफिक ट्रैवल कर रही है, नो प्रॉब्लम। फायरवॉल ने देखा कि हाँ ट्रैफिक लैन से आ रही है, वैन की तरफ जाना है, सोर्स आईपी एड्रेस उसने मैच किया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उसने मैच किया, और आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी के बिहाफ पे ट्रैफिक अलाउड, ट्रैफिक अब बाहर जा रहा है ट्रैवल करना। तो ये जो इनसाइड मशीन है ये बाहर जाके किसी सर्वर से कम्युनिकेशन कर रही है। अब इस एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जो कम्युनिकेशन चल रहा है इस पे अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन के फायरवॉल फीचर्स यूज करने हैं तो उसके लिए आपके पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, 8। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या? ApIDE। सो विद इन अ सेशन अगर आप चाहते हो कि आपका फायरवॉल जो है एप्लीकेशन को डिटेक्ट करे, देखो पॉलो अल्टो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स है, पॉलो अल्टो, फॉर्टिनेट, चेक पॉइंट, सिस्को FTD, ये सब क्या है? ये सब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स है। सो आप किसी भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स के साथ अगर आप वर्क करते हो तो वो फायरवॉल एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस। एप्लीकेशन का मतलब फेसबुक एप्लीकेशन आपने सुना होगा, लिंक्डइन एप्लीकेशन आपने सुना होगा, यूट्यूब एप्लीकेशन आपने सुना होगा, तो आपका फायरवॉल एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपने बोला है कि मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में फेसबुक एप्लीकेशन ब्लॉक करना है, तो आपने अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिसाइड किया, अब आपका फायरवॉल एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन या तो आप किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन वर्क कर लो। सबको मेरी आवाज आ रही है? चरणजीत, दीपक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
ओके okay. सो मैं बोल रहा हूँ या तो आप किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ वर्क कर लो, या आपको अगर एप्लीकेशन कैटेगरी के साथ काम करना है, जैसे अगर मैं सिर्फ फेसबुक एप्लीकेशन ब्लॉक करना चाहता हूँ, यस आप कर सकते हो, ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो गया। लेकिन अगर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन कैटेगरी ब्लॉक करनी है, जैसे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहता हूँ जितनी भी गेमिंग कैटेगरी की एप्लीकेशन है, मैं उस सबको ब्लॉक करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो जो गेमिंग कैटेगरी में आता है, बट मुझे ब्लॉक करना है। मुझे ब्लॉक करना है ऑल फाइल शेयरिंग कैटेगरी के एप्लीकेशंस को। मुझे नहीं पता कौन से एप्लीकेशन है, कितने एप्लीकेशन है, बट आई वॉन्ट टू ब्लॉक। सो आप वो कर सकते हो विद एप आई डी फीचर। सो विद इन अ सेशन, सबसे अच्छी बात यह है कि पालो ऑल्टो बॉक्स विद इन अ सेशन, विद इन लाइव सेशन एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। क्लियर है एप आई डी का फीचर? मैं सिर्फ बेसिक दे रहा हूँ। रिजवी आपको मेरी आवाज आ रही है? राकेश यस सर। जी, मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ आ बेसिक गया। आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? टॉपिक पूरा जब हम डिस्कशन करेंगे तो बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंटेंट आईडी। अब चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ये जो दो टॉपिक्स हैं, ये रिलेट करते हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल कॉन्सेप्ट पे। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स एक कॉमन टॉपिक है किसी भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स के लिए। अगर आप फॉर्टिनेट पे जाओगे तो वहां भी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं। अगर आप सिस्को एफटीडी में जाते हो तो वहां भी सिक्योरिटी प्रोफाइल का ही कॉन्सेप्ट होता है। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या है? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर है। तो सिनेरियो डिस्कशन करते हैं कि सिक्योरिटी प्रोफाइल कहाँ पे यूज करते हैं। तो ये एक पालो ऑल्टो बॉक्स है और आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी के बिहाफ पे ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। आपने सिक्योरिटी पॉलिसी बना दिया और ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। अब ये जो इनसाइड मशीन है, आउटसाइड से कोई फाइल, आउटसाइड इस सर्वर से कोई फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, और मे बी वो जो फाइल है वो इन्फेक्टेड है विद सम मेलिशियस कोड, मे बी वायरस इन्फेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देखोगे सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो सिर्फ ओनली सिक्योरिटी पॉलिसी उस मेलिशियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता, ओनली सिक्योरिटी पॉलिसी। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स बनाते हो। जैसे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में आपको मल्टीपल प्रोफाइल्स डिस्कशन करने हैं। मल्टीपल प्रोफाइल्स जैसे आप डिस्कशन करोगे एंटी वायरस प्रोफाइल, एंटी स्पाइवेयर प्रोफाइल, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल, फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल, यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल। आपको मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट करने हैं। इनको आप बोलते हो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स। तो अभी अभी मेरे टास्क के हिसाब से मैंने क्या बोला, जो इनसाइड मशीन है वो जो फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रही है वो फाइल क्या है, वायरस इन्फेक्टेड है। तो आपको उसके लिए एंटीवायरस प्रोफाइल क्रिएट करना चाहिए और उस एंटीवायरस प्रोफाइल को अपने सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ अटैच करना चाहिए। तो आपका फायरवॉल क्या करेगा, अब ये आपका एंटीवायरस प्रोफाइल क्या करेगा, विद इन अ सेशन वायरस को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस और एक्शन परफॉर्म कर सकता है आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। क्लियर है मेरी बात? जी जी सर, तो ये करेक्ट है सर, सब बट इसके लिए सब्सक्रिप्शन भी तो लेना पड़ेगा ना सर कि ये, या फिर ये रिक्वेस्टेड होंगे जैसे हम फायरवॉल परचेज करेंगे उसी टाइम मिल जाएगा हमें। देखो देखो फायरवॉल क्या है, फायरवॉल जो जो जितने भी वेंडर्स हैं वो अर्निंग कैसे करते हैं, इसी इसी से अर्निंग करते हैं। उनकी अर्निंग इसी से होती है कि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, ओके, उसके बाद आप लेटेस्ट सिग्नेचर्स डाउनलोड कर सकते हो। आप फायरवॉल डिप्लॉय कर लो लेकिन फायरवॉल के फीचर्स यूटिलाइज नहीं कर सकते चरणजीत, ओके। उसके लिए आपको फायरवॉल को रजिस्टर्ड करना होगा वेंडर के साथ और लाइसेंस परचेज करना होता है, लाइसेंस परचेज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंटीवायरस का फीचर आपको यूटिलाइज करना है तो आपके बॉक्स के ऊपर क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस से बेनिफिट ये होता है कि आप लेटेस्ट सिग्नेचर्स डाउनलोड कर सकते हो, लेटेस्ट अटैक सिग्नेचर्स आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? करेक्ट है सर, बट सर हर एक कंपनी अफोर्ड नहीं करती हर एक सब्सक्रिप्शन, तो उस केसेस में हम क्या नहीं, बेस्ट कंपनी ऑप्शंस हमेशा रहेंगे? लेती है, कंपनी हमेशा हमेशा सब्सक्रिप्शन रखती है। जो कंपनी नहीं रखती है तो वो कंपनी कॉम्प्रोमाइज होती है। हर एक कंपनी जो है जो जो फायरवॉल डिप्लॉय करती है वो लाइसेंस परचेज करती है। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस के लिए उसको थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस। अगर आप नहीं परचेज कर रहे हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क पे है ना। आप अगर नहीं परचेज कर रहे हो, आप ना परचेज करो, नो प्रॉब्लम वो तो। लेकिन अगर आप नहीं परचेज कर रहे हो तो आपके पास लेटेस्ट सिग्नेचर्स नहीं होगा। अगर लेटेस्ट सिग्नेचर्स नहीं होगा तो फिर पॉलो ऑल्टो आपको स्टॉप नहीं कर सकता ना। आपने अपने सिग्नेचर्स जो है डाउनलोड नहीं किया लेटेस्ट वन, अब आपका ऑर्गेनाइजेशन रिस्क पे है। अगर कोई इनसाइड मशीन कोई वायरस डाउनलोड कर रहा है और वो लेटेस्ट वायरस है, उसका सिग्नेचर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, सिंपल सी बात है, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज हो गया। ठीक,
तो सर सारे हमको सारे जो ये प्रोफाइल्स हैं ये थोड़ी परचेज करने होते होंगे, ये तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी करती होगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो वैसे हम टॉपिक में डिस्कशन करते हैं, बट नो प्रॉब्लम। देखो हर एक प्रोफाइल्स के लिए लाइसेंस आपको सेपरेट परचेज करना होता है। रेजवी जैसे एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर और वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, इन तीन प्रोफाइल्स को यूटिलाइज करने के लिए आपको एक लाइसेंस परचेज करना होता है, जिसे कहते हैं थ्रेट प्रिवेंशन लाइसेंस। ओके क्लियर? ओके तो जब हम प्रोफाइल डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रोफाइल को यूज करने के लिए कौन सा लाइसेंस आपको परचेज करना होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। बट ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटी, फॉर एग्जांपल आपको एंटीवायरस प्रोफाइल यूटिलाइज करना है, एंटी स्पाइवेयर प्रोफाइल यूज करना है, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल यूज करना है। तो इन तीन प्रोफाइल्स को अगर आपको यूटिलाइज करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको पालो ऑल्टो से थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस परचेज करना होगा। सिंगल लाइसेंस आपका जो है तीन टास्क के लिए है। क्लियर मेरी बात? करेक्ट है सर। सर बट मेरा कंसर्न एक चीज और है सर, अगर एंड यूजर के पास एंटीवायरस है, अगर वो कोई भी चीज फिल्टराइज करता है, अगर कोई भी चीज गूगल पे सर्च करता है, तो ऑटोमेटिकली एंटीवायरस डिटेक्ट कर लेता है उस चीज को, करेक्ट है? ठीक है हाँ। बट तो अगर फिर हाँ इस जी वायरस की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? हाँ जी हाँ जी अच्छा, आपके लैपटॉप में जो एंटीवायरस एप्लीकेशन होता है ना, जो आप परचेज करते हो 1000 का, 2000 का, 3000 का, 5000 का, ठीक है? मान लो आपने 5000 का एंटीवायरस, 5000 तो मैंने काफी ज्यादा कॉस्ट बता दी एंड यूजर के लिए, तो आपने आपने जी आपने एंटीवायरस जो इंस्टॉल किया है, उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें लिमिटेड सिग्नेचर्स होते हैं, लिमिटेड सिग्नेचर्स होते हैं। एंटीवायरस जो आपके पास छोटा सा स्मॉल सा एप्लीकेशन होता है, उसमें कितने सिग्नेचर्स होंगे? 5000 सिग्नेचर्स होंगे, 10,000 चलो ले लो आप, 10,000 सिग्नेचर्स होंगे। उससे सर, अगर ज्यादा एंटरप्राइजेस मॉड्यूल में अगर देखा जाए उसमें तो ज्यादा सिग्नेचर्स हो सकते हैं ना एंटरप्राइजेस मॉड्यूल में। मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, अपने पर्सनल सिस्टम की नहीं कर रहा। ठीक है, आप कंपनी मान लो आप मैकेफे का यूज कर रहे हो कंपनी के अंदर, राइट? ठीक है राइट, मैकेफे ले लेते हैं, मैकेफे। अब देखो अब क्या होता है, हर एक वेंडर जो है अपने अपने हिसाब से सिग्नेचर देता है। जैसे मान लो ये जो आपने मैकेफे का लगा कर रखा है, इसके पास 50,000 सिग्नेचर्स मान लेते हैं। देखो इससे ज्यादा सिग्नेचर्स होगा नहीं, क्योंकि ये इंड इंड मशीन है, देख रहे सॉरी इंड मशीन है। इतना बड़ा डेटाबेस एक मशीन के अंदर आप इंस्टॉल तो कर नहीं सकते ना, नहीं, वो सब डाटा भी तो सर मेन सर्वर पे रहेगा ना, न्यू जिसका सर्वर पे। देखो एंटीवायरस क्या, होगा, बट देखो वो क्या, क्लाइंट से कम्युनिकेट करेगा। मैं आपको बताता हूँ कि जो सिग्नेचर्स हैं, जो देखो जो एंटीवायरस एप्लीकेशन होता है वो लिमिटेड सिग्नेचर्स को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन जो 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 एंटीवायरस सिग्नेचर्स की बात आप पालो ऑल्टो पे करते हो या किसी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे करते हो, तो ये बिग डेटाबेस है, बिग डेटाबेस है। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख सिग्नेचर्स है, 5 लाख सिग्नेचर्स है, ये बिग डेटाबेस है पालो ऑल्टो बॉक्स के अंदर, ठीक है? जो आपका एप्लीकेशन होता है वो भी डिटेक्ट कर सकता है, बट क्या है वो लिमिटेड सिग्नेचर्स को डिटेक्ट कर रहा है। पालो ऑल्टो क्या है, बिग वो डाटा आपको सिग्नेचर, बिग डेटा आपको दे रहा है। जो बिग डेटा, आप जितना देखो जितना बड़ा सिग्नेचर, जितना ज्यादा सिग्नेचर्स आपके बॉक्स के पास है, उतने ही चांसेस है लेटेस्ट वायरसेस को डिटेक्ट करना, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैकेफे या कोई और जो है वो टॉप नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कहा ना कि आप या तो आपके पास 500 कंप्यूटर्स हैं, 500 कंप्यूटर्स पे आप इंस्टॉल कर रहे हो, राइट? और या तो आपका करेक्ट जो पॉल ऑल्टो बॉक्स है, स्ट्रॉन्ग डिवाइस है आपके पास, उस पे सिंग एक बॉक्स के ऊपर पूरा डेटाबेस पड़ा हुआ है, वही डिटेक्ट कर सकता है बड़े आराम से। करेक्ट तो है वो एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी तो आप लगा सकते हो। आपको लगता है नहीं पॉल ऑल्टो पे मुझे विश्वास नहीं है, तो आप अपने एंड यूजर पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो बड़े आराम से, नो प्रॉब्लम। वो एक्स्ट्रा ठीक लेयर है सिक्योरिटी होगी, ठीक है? बट हाँ, पॉलो ऑल्टो के पास क्या है, सिग्नेचर्स है, लेटेस्ट सिग्नेचर्स है। देखो वेंडर क्या, अगर देखो सारे वेंडर, सारे फायरवॉल क्या होते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं, आप कह नहीं सकते कौन सा, लेकिन क्या है कि वो बेस्ट कैसे आते हैं कि कोई वेंडर होता है जो जो लेटेस्ट सिग्नेचर्स पहले प्रोवाइड करता है, जैसे 48 में बाद में किया, पॉलो ऑल्टो पहले कह रहा है कि मेरे पास इस अटैक का सिग्नेचर्स है, तो इसलिए इसलिए तो कॉम्पिटिशन होता है ना। पॉलो ऑल्टो टॉप पे क्यों है, किस भी पे पॉलो ऑल्टो टॉप पे है? तो सारे सारे वेंडर सिग्नेचर्स देते हैं आपको, ठीक है ना, लेकिन लेकिन वेंडर्स पे डिपेंड करता है किसके पास डेटाबेस लेटेस्ट वन है, उसके बिहाफ पे जो 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 डिटेक्ट कर रहा है मोस्ट अटैक को डिटेक्ट कर रहा है, उसके बिहाफ पे वो टॉप पे है। क्लियर? ठीक है सर ओके ठीक नाउ, है तो सो आप इन यूजर पे लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, पालो ऑल्टो के पास जो एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस है, उसके बिहाफ पे वो वायरस को डिटेक्ट कर सकता है और एक्शन परफॉर्म कर सकता है। नाउ अब देखो यहाँ पे मल्टीपल सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं, यहाँ पे आप देखो ये मल्टीपल सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं,
ये सारे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स रिलेट करते हैं चैप्टर नंबर 7 और 8 से, तो हम वहां पे बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है डिक्रिप्शन की? अच्छा, अभी मैंने बताया कि पॉलो अल्टो बॉक्स है आपका, और आपने सिक्योरिटी पॉलिसी बनाया, और सिक्योरिटी पॉलिसी के बिहाफ पे जो ट्रैफिक इनसाइड है वो आउटसाइड जा रही है, तो ये आपने एक सिक्योरिटी पॉलिसी यहाँ पे बनाया था, और आपने आपने एंटीवायरस प्रोफाइल भी बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंटेंट आईडी के अंदर एक एंटीवायरस प्रोफाइल बनाया, और उस एंटीवायरस प्रोफाइल को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ अटैच भी कर दिया, मतलब आप चाहते हो कि वायरस भी डिटेक्ट करें। बट एंटीवायरस प्रोफाइल की लिमिटेशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कि वो HTTPS कनेक्शन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगर ये इनसाइड मशीन कोई फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है आउटसाइड इस सर्वर से, और ये पूरा का पूरा अगर कनेक्शन जो है, पूरा का पूरा कनेक्शन अगर HTTPS है, तो आपका आपका ये एंटीवायरस प्रोफाइल, आपके पास अप टू डेट सिग्नेचर है, फिर भी आपका फायरवॉल उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये ड्रॉबैक है एंटीवायरस प्रोफाइल का। क्लियर? सो यहाँ पे हम यूज करते हैं क्या, एक डिक्रिप्शन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। पॉलो अल्टो आपको डिक्रिप्शन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। डिक्रिप्शन पॉलिसी से आप क्या करते हो, आपका पॉलो अल्टो फायरवॉल बॉक्स उस HTTPS कनेक्शन को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो आपका पॉलो अल्टो फायरवॉल बॉक्स क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि पूरे HTTPS कनेक्शन को वो डिक्रिप्ट कर सकता है। जैसे वो डिक्रिप्ट करेगा तो इट विल लुक लाइक नॉर्मल HTTP कनेक्शन, और जैसे वो नॉर्मल HTTP कनेक्शन की तरह देखेगा, देन आपका एंटीवायरस प्रोफाइल उसको डिटेक्ट कर सकता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? जी सर, करेक्ट करेक्ट सर। फिर हमें डिक्रिप्शन हर एक फायरवॉल में लगानी पड़ती है, राइट? तो डिक्रिप्शन पॉलिसी हम क्रिएट करते हैं, डिक्रिप्शन पॉलिसी हम क्रिएट करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट पॉलो अल्टो पे है, उसे कहते हैं डिक्रिप्शन पॉलिसी। ये हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर। फिर मॉड्यूल नंबर 10 आपका है, वो है वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर किस लिए है? वाइल्ड फायर, अभी हमने डिस्कशन किया कि हम एंटीवायरस प्रोफाइल बना लेंगे, और एंटीवायरस प्रोफाइल के बिहाफ पे हमारा फायरवॉल वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है, अच्छी बात है। बट मान लो ये जो इनसाइड मशीन है, जिस फाइल को वो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, उससे रिलेटेड सिग्नेचर्स आपके पॉलो अल्टो बॉक्स पे अवेलेबल है ही नहीं। एग्जाम्पल मान लो कि ये 0-day अटैक का ऑप्शन है, यानी जो इनसाइड मशीन है जिस फाइल को एक्सेस कर रहा है, वो फाइल मेलिशियस कोड से इन्फेक्टेड है, और वो लेटेस्ट कोड है, अभी उसका सिग्नेचर्स है ही नहीं पॉलो अल्टो के पास। तो फिर तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एक वाइल्ड फायर कॉन्सेप्ट। इसको सैंड बॉक्सिंग भी आप कहते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, अदर वेंडर्स पे आप इसको सैंड बॉक्सिंग कहते हो, पॉलो अल्टो पे आप इसे वाइल्ड फायर टेक्नोलॉजी कहते हो। तो वाइल्ड फायर टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे यूज करते हैं। वाइल्ड फायर टेक्नोलॉजी क्या करती है, उस अननोन मालवेयर को डिटेक्ट कर सकती है इनटू नोन मालवेयर, और उसके हिसाब से फिर वो सिग्नेचर्स भी बना सकती है, सिग्नेचर्स आपके पॉलो अल्टो बॉक्स पे वो भेज सकती है। तो अगर आप 0-day अटैक कहीं आप मिल रहा है, तो वहां पे आपको यूज करना होता है वाइल्ड फायर का कॉन्सेप्ट। दो तरह के कॉन्सेप्ट वाइल्ड फायर में डिस्कशन करेंगे, पब्लिक वाइल्ड फायर क्लाउड, दूसरा होता है प्राइवेट वाइल्ड फायर क्लाउड। देखो, वाइल्ड फायर पूरा का पूरा एक सेपरेट डिवाइस है, पॉलो अल्टो के अंदर वाइल्ड फायर पूरा एक सेपरेट डिवाइस है। यहाँ पे पॉलो अल्टो फायरवॉल के अंदर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एक डिवाइस आती है, उसका काम ये है, फीचर ये है। अगर आपको पूरा वाइल्ड फायर पे काम करना है, तो पूरी एक ट्रेनिंग होती है। क्या दीपक, राकेश, चरणजीत, रजवी? जी जी सर। बट यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेनिंग में क्या, कि वाइल्ड फायर कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, कैसे कैसे कन्फिगर करते हैं, पब्लिक वाइल्ड फायर क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट वाइल्ड फायर क्लाउड क्या होता है, और 0-day अटैक क्या कॉन्सेप्ट होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है यूजर आईडी कॉन्सेप्ट। यूजर आईडी कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज करते हैं? देखो, अभी आपको मैंने बोला कि सिक्योरिटी पॉलिसी आप बना लो, सिक्योरिटी पॉलिसी बना के आप ट्रैफिक को अलाउ कर लो। तो जब आप सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हो, तो आप क्या डिफाइन करते हो उसके अंदर, आप जोन डिसाइड करते हो। आप डिफाइन करते हो कि ट्रैफिक लैन जोन से आ रही है, वो वैन जोन की तरफ जाएगी, सोर्स आईपी एड्रेस आपका फॉर एग्जांपल एनी है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एनी है, तो इस बिहाफ पे इसको मैच करने के बाद ट्रैफिक आपने अलाउ बोला हुआ है, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। सो ये जो पॉलिसी आपने बनाई, इसका नाम है रूल 1। फॉर एग्जांपल रूल 1, तो इनसाइड मशीन इस रूल 1 पे हिट कर रहा है, और फिर ट्रैफिक बाहर चली जा रही है। जब आप लॉक्स को वेरीफाई कर रहे हो ना, रूल 1 से रिलेटेड लॉक्स को वेरीफाई कर रहे हो, तो लॉक्स के अंदर आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन।
आपकी पॉलिसी के बिहाफ पे जो लॉक्स आप चेक कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल इसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.10, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 10.10 से ट्रैफिक इनिशिएट हुआ था और वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था या कोई पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था। आपको आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ पे आपके पास फुल विजिबिलिटी नहीं है, आपके पास सिर्फ आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है। आपको नहीं पता किस यूजर अकाउंट ने ये टास्क परफॉर्म किया था, आपको सिर्फ आईपी एड्रेस। अब देखो इस मशीन पे मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं, क्यों हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आईपी एड्रेस 10.10 है लेकिन इस पे मल्टीपल यूजर्स तो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीन यूजर्स काम करते हैं, चार यूजर डिफरेंट टाइम पे इस मशीन पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास फुल विजिबिलिटी नहीं है। आपको सिर्फ आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है कि इस आईपी एड्रेस से ट्रैफिक इनिशिएट हुई, बट आपको नहीं पता किस यूजर अकाउंट ने इस मेलिसियस फाइल को डाउनलोड किया था या किस यूजर अकाउंट ने इस मेलिसियस एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश की थी। तो फुल विजिबिलिटी के लिए हम कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं यूजर आईडी। यूजर आईडी का मतलब आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, उस यूजर अकाउंट को आप अपनी पॉलिसी के साथ अटैच कर सकते हो। तो अब आपका फायरवॉल बाकी पैरामीटर के साथ साथ यूजर अकाउंट को की इंफॉर्मेशन को भी मैच करता है और फिर उस पर एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे आपने आईपी एड्रेस के बाद एक और ऐड कर दिया कि user1, तो अब आपका फायरवॉल क्या कर रहा है, वो यूजर को भी मैच कर रहा है और फिर ट्रैफिक को अलाउ कर रहा है। अब आपके पास लॉक्स के अंदर क्या है, आईपी एड्रेस के साथ साथ यूजर की भी इंफॉर्मेशन कि किस यूजर ने ये ट्रैफिक इनिशिएट किया था, तो यूजर आईडी के साथ आपको फुल विजिबिलिटी मिल जाती है। अब यूजर आईडी में क्या होता है कि हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यूजर अकाउंट लोकल डेटाबेस में क्रिएट कर लो, यानी आप अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप पालो ऑल्टो का लोकल डेटाबेस यूज कर सकते हो और फिर उस यूजर अकाउंट को आप अपनी पॉलिसी के साथ अटैच कर सकते हो। या अगर आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वहां पे वो रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर यूज करते हैं। रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर का मतलब फॉर एग्जाम्पल रेडियस सर्वर, टकैक सर्वर या एलडैप सर्वर। एलडैप सर्वर तो आपको या तो आप लोकल डेटाबेस यूज कर लो, और अगर बिग सिनारियो है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर यूज हो रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर्स लाइक रेडियस, टकैक्स और एलडैप यूज हो रहा है और आपको अपने फायरवॉल को उसके साथ इंटीग्रेट करना है, तो ये हम डिस्कशन करेंगे कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि सारे यूजर अकाउंट कहाँ बने हैं, उस रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर पे बने हैं, और आप अपने फायरवॉल बॉक्स को इंटीग्रेट कर सकते हो विथ रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर। तो लोकल डेटाबेस में यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और अपने फायरवॉल को रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन करेंगे इन यूजर आईडी। क्लियर? क्लियर सर, ठीक ओके। है सर, क्लियर क्लियर नाउ नाउ चैप्टर नंबर 12 और 13, ये जो दो चैप्टर्स हैं ये डेडिकेटेड हैं वीपीएन कॉन्सेप्ट के, वीपीएन कॉन्सेप्ट। अब पहले तो हम वीपीएन के बारे में डिस्कशन करेंगे, बेसिक वीपीएन क्या होता है, वीपीएन टेक्नोलॉजी क्या होती है, फीचर क्या होता है वीपीएन को यूज करने का, क्यों यूज करते हैं वीपीएन। देन जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो तो दो टाइप के वीपीएन आपके पास होते हैं, फर्स्ट होता है क्या आईपी सेक वीपीएन और दूसरा होता है एसएसएल वीपीएन। आईपी सेक वीपीएन एंड एसएसएल वीपीएन। आईपी सेक हम कहाँ यूज करते हैं, जब आपको ब्रांच ऑफिस आपस में कनेक्ट करना होता है, जैसे आपके पास मल्टीपल ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस ए, ब्रांच ऑफिस बी, ब्रांच ऑफिस सी, तो आपको मल्टीपल ब्रांच ऑफिस कनेक्ट करने हैं ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क यू कैन से, और ये आपका अनट्रस्टेड नेटवर्क है। सो इस अनट्रस्टेड नेटवर्क के ऊपर या पब्लिक नेटवर्क के बिहाफ पे आपको आपको अपने ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करना है इन अ सिक्योर मैनर, तो आप जाते हो साइट टू साइट वीपीएन के साथ, आप जाते हो साइट टू साइट वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन। एंड साइट टू साइट वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या होता है, आईपी सेक। आईपी सेक के थ्रू आप कॉन्फ़िगर करते हो साइट टू साइट वीपीएन। तो पहला ऑप्शन है साइट टू साइट, जिसको हम आईपी सेक के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। दूसरा एक और टेक्नोलॉजी हम डिस्कशन करते हैं, उसका नाम है आपका रिमोट एक्सेस वीपीएन, रिमोट एक्सेस वीपीएन। अब रिमोट एक्सेस वीपीएन में क्या होता है, रिमोट एक्सेस वीपीएन में ये जो होम यूजर है, आप कह सकते हो होम यूजर और रिमोट यूजर या आउटसाइड यूजर, ओके वर्क फ्रॉम होम फॉर एग्जांपल ये पर्सन कर रहा है,
तो इसको इसको क्या करना है, कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेस एक्सेस करते हैं। जैसे दिस साइड यहाँ पे ये आपका वीपीएन गेटवे डिवाइस है, और इस साइड पे मल्टीपल सर्वर्स रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका डीएमजेड नेटवर्क है, मल्टीपल सर्वर्स रखे हैं, जैसे वेब सर्वर है आपका, डीएनएस सर्वर है, एसएमटीपी सर्वर है, एफटीपी सर्वर है। तो ये जो आउटसाइड यूजर है, इसको इसको कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेस एक्सेस करने हैं। इसके पास क्या है, सिंपल वाईफाई मॉडम घर पे लगा हुआ है। आप कह सकते हो, यू कैन से कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन इसके पास है। अब ये जो आउटसाइड यूजर है, इसको कंपनी प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क। तो इसे पहले क्या करना होगा, इसे पहले स्टैब्लिश करना होगा एक वीपीएन कनेक्शन। ये वीपीएन कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है अपने लैपटॉप से, मोबाइल फोन से, टैबलेट से। जैसे ही ये कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। जैसे ही कनेक्शन ये स्टैब्लिश होगा, देन ये अलाउड है प्राइवेट रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब यहाँ पे क्या है, ये जो कंप्लीट ट्रैफिक है, ये इसके लैपटॉप से ये वीपीएन गेटवे डिवाइस तक, ये जो पूरी की पूरी ट्रैफिक है, ये पूरी की पूरी तरह इंक्रिप्टेड है या सिक्योर्ड आप कह सकते हो। इसे कहते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन। अब रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप उसे कॉन्फ़िगर कर लो आईपी सेक के थ्रू, या आप उसे कॉन्फ़िगर कर लो एसएसएल वीपीएन के थ्रू। दोनों ऑप्शंस होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आईपी सेक और एसएसएल में क्या डिफरेंस है, हम ये बात करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों में से कौन सा मोस्ट वाइडली यूज वीपीएन ऑप्शन है फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन, तो हम ये बात करेंगे। यानी आपका चैप्टर चैप्टर नंबर 12 और 13, ये दोनों रिलेट करता है आईपी सेक साइट टू साइट एंड रिमोट एक्सेस एसएसएल वीपीएन। यानी सिर्फ ये दो चैप्टर आपका मिनिमम 5 to 6 आवर ले सकता है। सर एक चीज और, लाइक हमारे कंपनीज में मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक हाँ क्लाउड सर्वर्स एंड क्लाउड सर्वर्स भी होते हैं, तो अच्छा ऑन प्रीमिसेस सर्वर और क्लाउड सर्वर्स को कनेक्ट करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज किया जाता है? क्लाउड, ऐसे एक नॉर्मल क्वेरी आई है माइंड में, सो मैं पूछ रहा मैं हूँ। क्वेश्चन समझ नहीं पाया, फिर से बोलिए। क्लाउड एक्चुअली सर्वर, एक्चुअली हर एक कंपनी में ऑन प्रीमिसेस सर्वर्स भी होते हैं और क्लाउड सर्वर्स भी होते हैं, लाइक एजर और AWS और गूगल। तो ठीक है, उन उन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा के हम कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर कर सकते हैं, कौन सा मॉड्यूल यूज होगा उनमें? मॉड्यूल नहीं, देखो देखो देखो, जैसे आप जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटाबेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सर्वर आपके ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है चिरंजीत, ठीक है तो ठीक ये है आप रिमोट एक्सेस वीपीएन से कर रहे हो। अब ये भी है कि आप जो सर्वर्स रख रहे हो वो क्लाउड पे रखा हुआ है, ठीक है, क्लाउड पे रखा हुआ है। अब क्लाउड आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, क्लाउड कहीं और है, तो अगेन ठीक है आप पे डिपेंड करता है कि आप, मान लो ये जो लैपटॉप है ये कंपनी ने दिया हुआ है, कंपनी का लैपटॉप है, ठीक तो है कंपनी चाहती है कि जो भी ट्रैफिक जाएगी वो मेरे से होके ही क्लाउड पे जाएगी। ठीक है तो यहाँ पे मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ पे क्या है कि आपका अभी भी आप वीपीएन कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो, और वो ट्रैफिक अगेन आपके फायरवॉल गेटवे पे जाती है, और फिर फायरवॉल उसको रीडायरेक्ट करता है क्लाउड की तरफ। वो एग्री कर रहा हूँ सर, लेकिन उन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश कौन सा होगा, आईपी सेक होगा, एसएसएल वीपीएन होगा, या कौन सा होगा? ये मैं नहीं कह सकता कौन सा कनेक्शन है, क्या टेक्नोलॉजी है। हाँ देखो, एसएसएल कनेक्शन तो हर जगह रहता है, एसएसएल कनेक्शन तो आपको हर जगह मिलेगा, एसएसएल कनेक्शन तो कॉमन है, एचटीटीपीएस कनेक्शन एसएसएल कनेक्शन है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और क्लाउड के बीच में कैसे कनेक्शन है, वो वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है उन्होंने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, वो हमारा पार्ट नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आउटसाइड पीसी है, अगर अगर ये क्लाउड पे भी जा रही है या ये इनसाइड सर्वर को भी एक्सेस कर रही है, तो पहले वो फायरवॉल पे हिट करेगी, फायरवॉल डिसाइड करेगा कि उसको लैन की तरफ भेजना है या इंटरनेट क्लाउड की तरफ भेजना है। क्लियर? ओके तो यस। और कोई सर, ये जो क्वेरीज वीपीएन है? रहता है हमारा, तो ये भी तो ये ट्रस्टेड वीपीएन ही होना चाहिए ना फिर से बोलिए सर। जैसे हम अभी जैसे रिमोटली बात करते हैं, हम रिमोटली कुछ एक्सेस करना चाह रहे हैं कंपनी के किसी फाइल को या सर्वर को, राइट। सो सर वाया वीपीएन करेंगे, सो सर वो जो वीपीएन है वो भी तो कंपनी ट्रस्टेड या कंपनी प्रोवाइडेड रहेगा ना, हमारा कंपनी कंपनी बताएगी कंपनी ही नहीं। देगी, बिना कंपनी ही देती है आपको वीपीएन कनेक्शन, वीपीएन एप्लीकेशन आपको कंपनी ही देती है। मोस्ट केस में क्या होता है, कंपनी का लैपटॉप आपको मिलता है, राइट, सर तो कंपनी क्या करती है, उस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देती है आपको, ये वीपीएन एप्लीकेशन है आपको यूज करना है। नोट इट।
सर एक चीज और है, जैसे क्लाउड एंड पे सपोज हमारे पास AWS के सर्वर्स हैं और AWS से हमने कुछ सर्वर्स परचेज चरण जी, चरण जी, कर चरण जी, आप रखे। क्लाउड जी पे जी बार बार जा रहे हो, प्लीज आप फाबुल पे आ जाओ प्लीज। मुझे मुझे उधर नहीं पता, मुझे मैं उधर नहीं जाता, ठीक है? आप ठीक है फायरवॉल पे जितने सारे टास्क परफॉर्म कराने हैं, मैं वो डिस्कशन कर सकता हूँ, ठीक है? कैसे वो कनेक्टिविटी ठीक है, वो टीम का पार्ट है, आपकी टीम का पार्ट है, ठीक है? ठीक है सर। फायरवॉल पे डिस्कशन कर लो कि हाँ फायरवॉल से ट्रैफिक कैसे आपको रीडायरेक्ट करना है, फायरवॉल से कहीं ट्रैफिक, वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है क्लियर? सर। यस, क्योंकि मैंने मैंने AWS पे कभी काम नहीं किया, ठीक है? AWS या ये सब चीजें हम नहीं जानते। दीपक कोई क्वेरीज आपकी है, राकेश कोई क्वेरीज आपकी है? नो सर, अभी नहीं। ओके सो अब आते हैं। ओके यहाँ तक क्लियर है सबको? रिज़वी, चरणजीत, जी जी दीपक, जी जी राकेश, हाँ जी सर, क्लियर है, नाउ यहाँ नेक्स्ट तक क्लियर टॉपिक है। आपका है क्या, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग जो है वो आपका लॉग्स से रिलेटेड है। देखो मैं एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर मैंने सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर दी फायरवॉल पे, मैंने सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर दिया, नेट पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, नेक्स्ट जनरेशन जो जो फीचर्स है वो मैंने कॉन्फ़िगर कर दिए, सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है, वीपीएन प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मेरा काम है मॉनिटर करना। फॉर एग्जाम्पल कोई वीपीएन टनल डाउन हो गया, अप हो गया, तो मुझे मॉनिटर करना है। किसी ने अगर सिक्योरिटी पॉलिसी रूल पे हिट किया है तो मुझे उस लॉक्स को वेरीफाई करना है, किसी ने नेट पॉलिसी पे हिट किया है तो मुझे वेरीफाई करना है, किसी किसी को मैंने एप्लीकेशन ब्लॉक के लिए बोला था और अगर किसी ने उस एप्लीकेशन पे हिट किया है तो उससे रिलेटेड लॉक्स को मुझे वेरीफाई करना है। तो ये सारा टास्क आता है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग के अंदर। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग में आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, ठीक है? आप सिर्फ जैसे फॉर एग्जाम्पल शो कमांड होती है ना, आप वेरीफाई करते हो, वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। आप पैकेट पैकेट को वेरीफाई कर, आप लॉक्स को वेरीफाई करते हो। अब लॉक्स को रखने का दो तरीका है, जितने सारे लॉक्स फायरवॉल पे हिट होते हैं उन लॉक्स को रखने का दो तरीका। पहला ऑप्शन ये है कि या तो आप लोकल डेटाबेस में रख लो, आप यानी अगर आपके पालो ऑल्टो बॉक्स में स्टोरेज है, फॉर एग्जाम्पल आपके पालो ऑल्टो बॉक्स बॉक्स के अंदर 120 GB SSD हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो 70%, ये तो ये रूल होता है कि 70% जो स्टोरेज होता है वो लॉक्स के लिए हम यूज करते हैं। तो या तो आप लोकल डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लो, या आपको लगता है कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा सिनारियो है, तो वहां पे वो क्या करती है, वो रिमोट लॉगिंग सर्वर्स को यूज करती है। रिमोट लॉगिंग सर्वर्स में आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिसलॉग सर्वर हो सकता है या SNMP सर्वर आपके नेटवर्क में लगा होता है, हो सकता है। तो आप अपने लॉग्स को सिसलॉग सर्वर पे भेज सकते हो, आप अपने लॉक्स को SNMP सर्वर पे भेज सकते हो। यस, तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। लॉक्स को भेजने के बाद फिर आप डिसाइड करो, आप लॉक्स के अंदर जो भी आपको देखना है, वेरीफाई करना है, वो बात की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, लॉक्स को आप लोकल डेटाबेस में रख लो या रिमोट लॉगिंग सर्वर्स, ये जो है यहाँ पे आप भेज सकते हो। तो मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिर्फ लॉक्स से रिलेटेड है, ठीक है? जब भी कोई पॉलिसी पे हिट करेगा, जब भी कोई नेट पॉलिसी पे हिट करेगा, जब भी कोई राउटिंग से रिलेटेड पैकेट लॉस होगा, जब भी कोई इंटरफेस डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, वीपीएन टनल अप डाउन हो रहा है, उन सब की लॉग्स आप वेरीफाई कर सकते हो इन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। ओके, मॉड्यूल नंबर जो 15 है वो आपका है फेल ओवर कॉन्सेप्ट के लिए। आप इसको फेल ओवर बोलते हो या आप इसको हाई अवेलेबिलिटी बोल सकते हो, पालो ऑल्टो में आप इसे हाई अवेलेबिलिटी बोलते हो, आप चेक पॉइंट में बोलते हो क्लस्टरिंग कॉन्सेप्ट। तो हाई अवेलेबिलिटी क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे टॉपिक है एक्टिव पैसिव हाई अवेलेबिलिटी। सो हाई अवेलेबिलिटी क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है और इस फायरवॉल पे आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ था, आपने सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया था, जैसे ये आपका क्लाउड हो गया, इंटरनेट हो गया आपका। अब यहाँ पे आपने इस फास्ट ईथरनेट 0/0, ये फास्ट ईथरनेट 0/1, यू कैन से कि आपने इस फायरवॉल पे सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया, आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, आप राउटिंग यूज कर रहे हो, आप सिक्योरिटी पॉलिसी, नेट पॉलिसी, वीपीएन चल रहा है, सब कुछ प्रॉपर, यानी ट्रैफिक थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रेवल कर रही है यहाँ पे। अब इस सिनारियो में इशू ये है कि आप एक सिंगल फायरवॉल बॉक्स के साथ वर्क कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, सिंगल फायरवॉल बॉक्स, अगर ये बॉक्स डाउन हुआ तो, अगर ये बॉक्स डाउन हुआ तो कनेक्टिविटी लॉस होगी, आपके लैन के यूजर वैन की तरफ नहीं जा सकते, राइट? तो आप क्या करते हो, आप बैकअप प्लान करते हो। तो बैकअप के लिए आप ये टॉपिक डिस्कशन करते हो जिसे कहते हो आप हाई अवेलेबिलिटी। तो आप क्या करते हो, आप एक और फायरवॉल बॉक्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करते हो, ये आपका फायरवॉल बॉक्स 2 हो गया, ये फायरवॉल बॉक्स 1 हो गया,
और अगर आपने फायरवॉल बॉक्स ऐड किया है तो टोपोलॉजी थोड़ी सी आपको चेंज करनी होगी। ये स्विच टू हो गया, ये स्विच वन हो गया, ये आपका अब कनेक्टिविटी कुछ ऐसे है। तो अब जब आप हाई अवेलेबिलिटी की बात करते हो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो आप, एक्टिव पैसिव हाई अवेलेबिलिटी। एक्टिव पैसिव का मतलब होता है कि आप एक फायरवॉल बॉक्स को यूज करते हो एज अ एक्टिव, और जो दूसरा फायरवॉल बॉक्स होता है वो यूज होता है एज अ स्टैंड बाय या पैसिव। इन बिटवीन फायरवॉल बॉक्स वन एंड फायरवॉल बॉक्स टू आप लिंक यूज करते हो, जिसको बोलते हो आप फेल ओवर लिंक, या आप उसको बोलते हो हाई अवेलेबिलिटी लिंक। अगर आप पॉलो अल्टो में काम कर रहे हो तो आपको दो फेल ओवर लिंक की रिक्वायरमेंट है, जिसे कहते हो आप एच ए वन, जिसको आप बोलते हो कंट्रोल लिंक, और दूसरा होता है आपके पास HA2, जिसे आप बोलते हो डेटा लिंक। अगर आप पॉलो अल्टो में काम कर रहे हो तो दो लिंक की रिक्वायरमेंट होती है, फेल ओवर लिंक इसे कहते हैं। अगर आप सिस्को में काम कर रहे हो, अगर आप फोर्टिनेट में काम कर रहे हो, तो सिर्फ सिंगल लिंक की रिक्वायरमेंट है। मैं सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ अभी, चरणजीत, दीपक, राकेश, रिजवी। ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि फेल ओवर लिंक हम यूज करते हैं इन बिटवीन फायरवॉल बॉक्स वन एंड फायरवॉल बॉक्स टू। अब आप एक्टिव पैसिव में वर्क कर रहे हो तो एक फायरवॉल बॉक्स आपका एक्टिव होगा, यानी इसको फॉरवर्डेड फायरवॉल बॉक्स बोलते हैं, और जो ट्रैफिक होती है वो एक्टिव बॉक्स के थ्रू जाती है। जैसे ही एक्टिव बॉक्स डाउन होगा तो ये जो पैसिव बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक्टिव, और आपकी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाती है दिस साइड से। तो ये टास्क कैसे होता है, कैसे फेल ओवर कॉन्फिगर करते हैं, ये कंट्रोल लिंक क्या होती है, ये डेटा लिंक क्या होती है, कैसे काम करता है ये, रिक्वायरमेंट क्या है फेल ओवर कॉन्फिगरेशन करने का, पूरा कॉन्फिगरेशन स्टेप क्या है, वो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 के अंदर। यानी सिर्फ ये आपका हाई अवेलेबिलिटी 2 घंटे का पूरा का पूरा, 2 से 3 घंटे का पूरा एक सेशन है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है सर। नाउ अब नाउ चैप्टर नंबर 16 आपका कोई टॉपिक नहीं, ये सिर्फ आपका प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ डम्स क्वेश्चन दे दूंगा, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या मेरी बात रिजवी? यस सर। चरणजीत? दीपक, राकेश? क्लियर है, क्लियर। ये टॉपिक डिस्कशन है, इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है? और कल जो जो सेशन का टाइमिंग है वो क्या हम 10:30 रखें? बिल्कुल कोई इशू नहीं है, सबके लिए सही है। एक्चुअली मेरा मेरा जो मेरा सुबह 8 से 9 और 9 से 10 का बैच होता है, तो आधे घंटे में ब्रेकफास्ट कर लूंगा इसलिए, ठीक है? सो 10:30 से 11:30 रखें सेशन? बिल्कुल बिल्कुल।